खेत में मिट्टी खुदाई प्राचीन काल की मूर्ति निकली। लोग पूजा अर्चना करने लगे, फिर निराशा लगे हाथ। तहसीलदार मासी ने ले गए मूर्ति कोषागार, कहा कि पुरातत्व विभाग के जांच के लिए भेजा जाएगा लखनऊ। कैसरगंज बहराइच के विकास खंड बकरपुर ग्राम सभा बदवानी गांव से 1 किमी उत्तर भिखादास बाबा कुट्टी पर 1000 साल पुरानी पवासाण कॉलोनी मूर्ति निकाली है, जो लोगों का आस्था का केंद्र बन गया है। आज सुबह लगभग 6:30 बजे ग्राम पंचायत बदवानी में भिखादास बाबा कुट्टी बगल में बड़कन्ने अंसारी पुत्र अलीम नगर निवासी नंदवल के खेत में मिट्टी खुदाई के दौरान एक प्राचीन काल की मूर्ति निकली, जो लोगों का आस्था का किरण बना हुआ है। नत्थूपुर निवासी नारायण वर्मा ने बताया कि हम सुबह खेत देखने आए थे तो देखा कि भिखादास बाबा की कुट्टी के बगल में नंदवाल निवासी बड़कन्ने के खेत में अपनी जरूरत के लिए मिट्टी खुदाई कर रहा था, तो ट्रैक्टर में मूर्ति फंस गई। हम लोगों ने मूर्ति साफ किया तो मूर्ति 1000 साल पुरानी लगी रही थी। हालांकि लोग ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि मूर्ति किस देवी देवता की है। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि मूर्ति किस देवी की है और उसकी सवारी गधे की है। लोग पूजा अर्चना करने के लगे, सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षण बॉडी मनोज कुमार राय व तहसीलदार मासी राजेश कुमार वर्मा साथ मौके पर पहुंचे। तहसीलदार मासी राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि मूर्ति कलाकृत जैसे दिख रही है, इसको कोषागार में जमा किया जाएगा, पुरातत्व विभाग लखनऊ को जांच के लिए भेजा जाएगा, जिससे लोगों को निराशा होना पड़ा। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि बदवानी मैन कुमार सिंह, प्रधान डकरवा जगदम्बा वर्मा, जिला पंचायत सदस्य ओमकार नाथ चौरसे आदि हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट साहित्य सा बहराइच। सुबह मिट्टी की खुदाई के दौरान बड़कन्ने साबिर के खेत में एक पत्थर की मूर्ति मिली थी, काफ़ी भीड़ लग गई थी यहाँ। और क्या है पूरा मामला बताइए। तहसील बहसी क्षेत्र के अंतर्गत जनपद बहराइच में ग्राम भदवानी में बड़कन्ने उर्फ साबिर के खेत में मिट्टी की खुदाई कर रहे थे, उसमें एक पत्थर की मूर्ति कलाकृति है, जो देखने से कलाकृति लगती है, प्राचीन काल की लगती है। उसको हम लोग आए हैं, इस शताब्दी मौजूद हैं, उसको अपनी अभिरक्षा में ले करके उसको हम अपने कोषागार में रखाएंगे और पुरातत्व विभाग को हम पत्र लिखेंगे, वो आकर के इसका परीक्षण करेंगे कि ये किस समय की मूर्ति है और इसका क्या सांस्कृतिक धरोहर के रूप में क्या इसका उपयोग है, कितनी पुरानी है, पुरातत्व के विषय में इसकी क्या उपयोगिता है, ये बाद में परीक्षण कराएंगे। धन्यवाद।